JOAIT का पेपर लीक होने के बाद सरकार ने कर्मचारी चयन आयोग हमीरपुर को बंद किया, जिससे तमाम भर्तियां लटक गई हैं। भर्ती प्रक्रिया बंद होने से बेरोजगार छात्रों में खासा रोष है। इसी को लेकर बेरोजगार छात्रों ने एक बार फिर प्रदेश सरकार के खिलाफ हल्ला बोल दिया है। शुक्रवार को शिमला पहुंचे सैकड़ों बेरोजगार छात्रों ने प्रदेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा कि मुख्यमंत्री हमारी मांगों को अनसुना कर रहे हैं। उन्होंने यह भी कहा कि यदि कोई छात्र परेशानी के चलते आत्महत्या करता है तो इसके लिए मुख्यमंत्री जिम्मेवार होंगे। मैम, सबसे पहले मैं आप सभी मीडिया वालों का धन्यवाद करना चाहता हूं, जो आप समय समय पर हमारी मांगे उठाते हो और हमारे लिए जो भी है न्याय, जो चौथा स्तंभ है मीडिया, उसके लिए धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि हमीरपुर बोर्ड को जो भंग किए हुए 21 फरवरी को मुख्यमंत्री ने भंग किया, उसके बाद उन्होंने बोला कि आपके रिजल्ट विद इन वन मंथ पब्लिक सर्विस कमीशन निकाल देगा। लेकिन उसके बाद हम 18 मार्च को हमारी जो फर्स्ट रैली थी सत्याग्रह वन, हम वहाँ पे मुख्यमंत्री से हमने मुलाकात की, तो मुख्यमंत्री ने हमें फिर से आश्वासन दिया पिछली बार की तरह कि आपके 15 अप्रैल से पहले पहले रिजल्ट निकलेंगे। 4 महीने हो गए मैम, पांचवा महीना होने वाला है, हमारे रिजल्ट कब तक निकलेंगे? हम आज यही मांग मुख्य रूप से लेके आए थे मुख्यमंत्री के पास। सेक्रेटरीट में गए सबसे पहले, तो हमें वहां से पता चला कि मुख्यमंत्री अपने आवास में है ओकओवर में, तो हम वहां से भागते हुए ओकओवर में पहुंचे, तो उन्होंने बोला कि वो पार्टी हाउस में जाएंगे। तो पार्टी हाउस में जब हम ओकओवर के बाहर खड़े थे तो गाड़ी हमारे सामने से निकली और हमारे जो बैनर थे सभी मुख्यमंत्री ने देखे। लेकिन उसके बावजूद भी मुख्यमंत्री ने हमें ऐसे इग्नोर किया जैसे हम पता नहीं किसी दूसरे देश से आए। और जब हम यहाँ पे पार्टी हाउस में पहुंचे तो मुख्यमंत्री जब बात करना चाहिए तो जो पुलिस वाले जो भी बंदे हैं उन्होंने बोला कि प्यार से बात करना, कोई प्रोटेस्ट नहीं करनी आपने। हमने फिर भी हिमाचल का युवा इतना शांत है, इतना बिल्कुल सभ्य है कि जो भी बात करता है बिल्कुल ही टू द पॉइंट बात करता है। हम मुख्यमंत्री से बात करने लगे लेकिन मुख्यमंत्री ने हमारी बातों को इग्नोर कर दिया। हमने हमारे मुख्य प्रमुख मांग ये थी कि हमारे जो रिजल्ट हैं वो क्यों नहीं निकाले जा रहे इतने दिनों से, 5-6 महीने हो गए, हमें क्यों लटकाया हुआ है? 4-5 महीनों से युवाओं का शोषण हो रहा है, कल को कोई बंदा या कोई अभ्यर्थी सुसाइड कर ले तो कौन जिम्मेवार है? घर वालों से इतना प्रेशर बढ़ा हुआ है, कितनी बार हम घर वालों से पैसे ले लेकर शिमला में आए, और आपको पता है सभी यहाँ पे जो भी बच्चे आए हैं वो सभी मिडिल क्लास से हैं, कईयों के एक रिजल्ट क्लियर है, कईयों के 5-5 पोस्ट कोड के रिजल्ट क्लियर है। जो भी हम जानते हैं कि जो लिटिगेशन में भर्तियां फंसी हुई हैं 18 पोस्ट कोड में, उनमें से 10 जो पोस्ट कोड हैं उनके रिजल्ट निकल चुके हैं, 8 पोस्ट कोड ऐसे हैं जिनके रिजल्ट अभी तक नहीं निकले हुए हैं, और उनमें से भी जो बंदे फंसे हुए हैं जो पेपर लीक में पाए जा रहे हैं, जिनमें स्लिप पाई जा रही है, उनको भी जमानत दी जा रही है। देखिए कितनी बड़ी नाइंसाफी हो रही है हमारे साथ। हम इतने महीनों से मुख्यमंत्री से आग्रह करेंगे हमारे रिजल्ट निकाल दो, आज भी जब उन्होंने बोलना चाहा तो उन्होंने हमारी बातों को बिल्कुल ही इग्नोर कर दिया, और हमें ऐसा इग्नोर किया जैसे कि हमने उनसे पता नहीं क्या मांग लिया, जैसे कि हमने उनसे ओपीएस मांग लिया, जब 1500 मांग लिया तो नहीं निकली। मैं अपनी खुद की पोस्ट कार्ड दूं, 5 पोस्ट कार्ड मेरे खुद के हैं। पिछले कल जो बेरोजगार युवाओं ने प्रदर्शन किया गया था, क्या उसमें भी आप लोग शामिल थे? नहीं मैं ये बताइए कितना इंतजार करना और बेरोजगार रहना कितना आहत होता है एक जो है स्टूडेंट है। खुद सोच सकते हो कि घर वालों का प्रेशर कितना होता है, ऊपर से सोसाइटी का प्रेशर अलग से, ऊपर से आप खुद सोच सकते हो कि 4-5 महीनों से हम लारे लगाए रखे हुए हैं। कभी पहले बोला 30 दिन में रिजल्ट निकालेंगे, हम आपको हमारे पास वीडियो क्लिप भी पड़ी है मुख्यमंत्री की, बोला 30 दिन में रिजल्ट निकालेंगे, दो महीनों में व्यवस्था परिवर्तन होगी। कैसी व्यवस्था परिवर्तन है मुख्यमंत्री जी, हम आपसे पूछना चाहते हैं। बेरोजगार युवा सड़कों पर उतर गए हैं, आपको शर्म होनी चाहिए। हमें ये बोलते हुए अच्छा नहीं लग रहा कि हम मुख्यमंत्री के बारे में ऐसे बोल रहे हैं, लेकिन हम करें तो करें क्या, किसके पास जाएं? डिप्टी सीएम जो हम उनसे पूछ नहीं सकते, मुख्यमंत्री ने जो बिना सोचे समझे इतनी जल्दबाजी में आयोग को भंग कर दिया, वो बिल्कुल ही गलत फैसला था। वहाँ पे नया स्टाफ बैठा सकते थे, भर्तियां सुचारू रूप से चल सकती थी, लेकिन ये कांग्रेस बीजेपी की आपसी रंजिश में बच्चों को क्यों पीसा जा रहा है? जो बीजेपी ने भर्ती निकाली है सोच रहे हमने वो नहीं करनी, तो इनका ये कहना है कि भविष्य लोग बच्चों का भविष्य को देखकर उसको बंद किया गया, तो भविष्य मानते हैं कि बंद किया, हम भी ये सोचते अच्छी बात है, लेकिन ये बात बताइए कि जो बंदे पकड़े गए हैं उनको जमानत क्यों दी जा रही है, उनके लिए सजा क्यों नहीं है? सजा तो हमें है सर, जिनके पेंडिंग रिजल्ट है उनको सजा है।
ठीक है, आप भी आओ, आपका नाम क्या है? मेरा नाम पंकज कुमार है, मैं कांगड़ा से हूँ। हाँ पंकज, बताओ किस क्या लगता है, क्योंकि काफी पहले भी आपने शायद मेरे को मिले थे और लोगों सर हम तीन बार मिल चुके हैं सर से, पर कोई भी सर से कोई भी हमें रिस्पॉन्स नहीं मिला। अच्छा, सर ने हमें हमेशा ही झूठ बोला। तो आज किस उम्मीद को लेकर आए थे आप, क्योंकि आप आज कांग्रेस ऑफिस में? जल्दी से जल्दी हमारे रिजल्ट 2 या 3 दिन में हमें कोई नोटिफिकेशन, ऑफिशियल नोटिफिकेशन दे। So, आप थोड़ा ये बताइए कि आगे फिर भी अगर रिजल्ट नहीं आते आप लोगों के, तो अगला कदम क्या रहेगा, घेराव करेंगे सरकार? अगला कदम सर पूरा हिमाचल का जो विरोध पूरा आएगा भाई, पूरा हाईमान दिल्ली जाएगा कांग्रेस सब ने, मतलब पूरी सारी कॉन्फ्रेंस होगी सभी बंदों के साथ जो मतलब सर। एक बात और मैम, एक बात और बहुत जरूरी बात है, हिमाचल में जो कर्मचारी है 136,000 कर्मचारी है, उनको ओपीएस देना जरूरी है इस टाइम। हम भी मानते हैं कि चलो ओपीएस आपने दिया अच्छी बात है, उनका हक है, लेकिन जिन्होंने मेहनत की है उनका पेपर का रिजल्ट कब देंगे मुख्यमंत्री जी, हम आपसे पूछ रहे हैं। और हम आप सभी मीडिया वालों से ये भी आग्रह करना चाहते हैं कि जहां भी आपको मुख्यमंत्री मिले हमारे रिजल्ट को निकालने के लिए बोलना चाहिए। कल को कोई मर जाए तो जिम्मेवार कौन है? मुख्यमंत्री है। मैं सभी मीडिया के सामने बोल रहा हूं, मैं ही सुसाइड कर लूं कल को तो जिम्मेवार मुख्यमंत्री होंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, सिटी चैनल, शिमला।